हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जरा सोचो बितलत में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किताबों पे। किताबें हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण हैं और इनका क्या रोल है हमारे जीवन में। किताबों के बारे में कहा गया ना कि जब किसी इंसान से होकर गुजरती हैं तो उस पर अपनी चमक छोड़ जाती हैं। कैसे चमक छोड़ जाती हैं? क्या वो इंसान चमकने लगता है, शाइन करने लगता है? ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि किताबें जो किसी इंसान से होकर कैसे गुजरेंगी, भाई वही है ना कि जो इंसान जितनी बुक्स पढ़ेगा, जितना उनके बारे में अध्ययन करेगा, उसको उतना नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज बढ़ेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो क्या होता है, जब आपके अंदर आत्मविश्वास झलकता है ना, तो चमक अपने आप आ जाती है। तो इसका यही मतलब है कि किताबें जब किसी इंसान से होकर गुजरती हैं तो उस पर अपनी चमक छोड़ जाती हैं। और इसके बारे में कहा गया है कि हम किताबें हर कोई पढ़ता है बचपन से। जब बच्चा छोटा होता है, उसको पहले का खागा कि ए बी सी डी की बुक्स लाई जाती है, फिर उसको क्लास के हिसाब से पढ़ना होता है, फिर बहुत से लोगों को पढ़ने का शौक हो जाता है। तो बहुत मैगजीन्स हैं, नॉवेल्स हैं, कॉमिक्स हैं, हर तरह की बुक्स होती हैं। हर आदमी पढ़ता रहता है, बहुत से लोग तो पूरी लाइफ पढ़ते हैं, उनकी इतनी हैबिट बन जाती है, ठीक है ना। और फिर आगे चल के अगर बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है तब भी बुक्स पढ़ते हैं। और इसके बारे में कहा गया ना कि जब मंजिल इतनी खूबसूरत हो तो किताबों से मोहब्बत हो ही जाती है। जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, कोई ना कोई मंजिल होती है, और उस पे पहुंचने के लिए हमें उनसे मोहब्बत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम उनसे मोहब्बत करेंगे तभी हम उनको पढ़ेंगे, हमें पढ़ने में अच्छी लगेंगी, हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे। और कहते हैं अगर ये बेवफा भी निकली तो आपका भविष्य संवार के जाएंगे। बेवफा से मतलब क्या है? किताब तो बेवफा कैसे होगी भाई? कोई आप इंसान तो है नहीं कि जो आपको छोड़ के चली जाएगी। पर मान लो आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप भले आपको नौकरी ना मिले उस चीज़ से, लेकिन आपने जब इतना पढ़ लिया होता है, इतना जब अध्ययन कर लिया होता है ना, तो आपका भविष्य हो सक आपका भविष्य जरूर संवार देंगी। हो सकता है जिस पद के लिए आप इतनी मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, उनको पढ़ते रहे, आप उस पद पे ना पहुंच पाओ, लेकिन उसकी जगह आप दूसरी इतनी अच्छी जगह पहुंच जाओ कि वो आपका भविष्य संवार देंगी, आपको इस लायक बना देंगी कि आप बेरोजगार नहीं रहोगे या आप बेकार नहीं रहोगे। तो यही कहा गया है कि अगर वो बेवफा भी निकली तो आपका भविष्य संवार जाएंगी। और किताबों के बारे में कहा जाता है कि बुक्स जो होती हैं हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। और अगर किसी को इंसान को दोस्ती करनी है ना तो किताबों से करो। क्यों किताबों से दोस्ती करो? आखिर ऐसे किताबों से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है जो हम किताबों से इतनी दोस्ती करें? ठीक है, हमने पढ़ लिया, हमने नॉलेज ले लिया, मान लो जिस कंपटीशन की, जिस तैयारी के लिए हम तैयारी करते रहे, जॉब के लिए हमें वो मिल गई, तो फिर हमें ज़रूरत क्या पढ़ने की? तो एक तो क्या होता है, नॉलेज जो ज्ञान होता है ना, उसका कभी कोई अंत नहीं होता। उसको आप जितना पढ़ोगे आपको उतना अर्जित होगा। और कहते हैं कोई किताब कभी बेकार नहीं होती। होता है ना, हम बोलते हैं कि अरे वो बुक्स अच्छी नहीं है, वो बुक्स कोई भी बेकार नहीं होती। आप कोई भी पन्ना पे बुक का खोलो, आप कुछ भी पढ़ो, जरूरी नहीं, अगर उसमें अच्छा लिखा है तो आप अडॉप्ट करो। अगर आपको लगता है कि गलत है, ये नहीं सही, ये नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं करना, तो आप उसे मत अडॉप्ट करो। आप सिर्फ वो करो ना जो आपको अच्छा लगता है, जो आप उस पर आपको लगता है कि नहीं इसको मैं सीखूंगा या मैं इसको अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करूंगा तो अच्छा है, तो आप वो करो। तो इसलिए, और दूसरी चीज़ क्या होती है, हम तो किसी को देखते हैं ना तो हम बोलते हैं यार कितना सफल इंसान है, टाटा बिरला अंबानी, किसी को देखो तो लगता है यार कितना सफल। लेकिन हमें ये तो नहीं दिखता ना कि उसी सफल इंसान के पीछे कितनी मेहनत लगी है, उसने कितने कष्ट उठाए हैं, या उस जगह तक पहुंचने के लिए उसने कितना संघर्ष किया है। या जैसे अब्दुल कलाम जी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या संघर्ष किया। हर आदमी उनको अपना आइडियल मानता है, उनके क्या विचार थे, उनकी क्या सोच थी। तो हम भाई उनके अगर इतना बड़ा आदमी है तो उनके पास उसी लेवल का आदमी होता है, हम और आप उनके पास तो नहीं जा सकते। या तो ऐसे लोग क्या करते हैं, हमेशा अपनी बायोग्राफी लिखते हैं, अपनी आत्मकथा कि मतलब हमने क्या किया, क्या क्या संघर्ष किया, क्या कैसे किया, वो अपनी आत्मकथा लिखते हैं। या वो खुद नहीं लिखते तो जो उनके आसपास के लोग होते हैं, जो जिनका उनके साथ उठना बैठना होता है, उनके बारे में पता होता है, वो उन लोगों के बारे में बुक्स लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? उसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें उनको उनके प्रमोशन करना है या उनके बारे में बहुत लोग ये सोचे कि नहीं हाँ इन्होंने कितना संघर्ष किया। हम जैसे लोग जो वहाँ तक उन तक नहीं पहुँच सकते, तो हम उनके पास तक कैसे पहुँच सकते हैं? उसका माध्यम क्या होता है? वो किताबें होती हैं।
किताबें हमें उस इंसान तक पहुंचाती हैं। अगर हमें रतन टाटा के बारे में जानना है, बिरला के बारे में जानना है, या अब्दुल कलाम के बारे में जानना है किसी, तो हम क्या करेंगे, हम उनकी आत्मकथा पढ़ेंगे या उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें पढ़ेंगे जिसमें वो अपना संघर्ष, अपनी जीवन गाथा, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया, कैसे कैसे किया, कैसे कैसे आगे बढ़े, और वो लिखा होता है। उसको देख के दूसरे लोग मोटिवेट हो सकते हैं कि अच्छा, जब ये इंसान इतनी परिस्थितियों में, इतनी विषम परिस्थितियों में नहीं हारा और वहाँ तक पहुँच गया और आज उस ऊंचाई पे है, तो हम क्यों हार रहे हैं? क्योंकि परिस्थितियाँ सबके जीवन में होती हैं, सब कुछ नहीं होता। तो किताबें क्या होती हैं, हमें उस कितना भी महान पुरुष हो, चाहे वो विश्व का हो, चाहे वो हमारे देश का हो, हम उस तक उन किताबों के जरिए भी पहुँच सकते हैं, उनके विचार जान सकते हैं, उनका संघर्ष जान सकते हैं, उनकी सोच जान सकते हैं कि आखिर जो लोग इतने महान बन जाते हैं उनकी सोच क्या होती है, वो क्या सोचते हैं आखिर। और हर इंसान तो नहीं बन पाता ना, हमारे देश में 131 करोड़ जनसंख्या है और कितने लोग धनी हैं, कितने लोग टाटा अंबानी जैसे हैं, उसके सिर्फ 1% 0.1% होंगे मुझे तो लग रहा है, ठीक है ना। तो उसके पीछे कितना संघर्ष होता है, हम देखते हैं यार अंबानी अंबानी ऐसे उस जगह पर पहुँच गया, नहीं ना, उसने कितनी मेहनत की होगी। तो ये हमें कौन बताता है, ये हमें किताबें बताती हैं। और किताबें इसीलिए कहते हैं ना, किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है ना, तो आपको कभी छोड़ के जाएंगी ना आपका साथ छोड़ेंगी, और जो आपको ज्ञान देंगी, आप उनको जो पढ़ोगे वो आपका अभी तो काम आ ही रहा है, वो आपको पूरे जीवन, वो किताबों से मिला ज्ञान हमेशा आपके साथ रहेगा और आपके साथ ही जाएगा। और आपको कभी जीवन में परिस्थिति ऐसी आती है कि आपको रास्ता नहीं दिखता या परेशान हो, कुछ नहीं दिखता, तो बहुत सी किताबें ऐसी कि आप पढ़े होगे तो आपको उनसे समझ में आ जाता है कि हम अच्छा, जब ऐसी परिस्थिति आई थी तो ऐसा हुआ था, हमारे लिए रास्ते खुल जाते हैं, हमारे लिए ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे सामने कि हम इसको क्या करें, कैसे करें। इसलिए दोस्तों कहा गया ना, किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और किताबों का यही हमारे जीवन में महत्व है। और किताबें पढ़ के इंसान में चमक ऐसी ही आती है, क्योंकि उसका ज्ञान बढ़ता है, उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, और जो शायद बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं ना कि हर इंसान को, कोई भी हो, पढ़ना अगर आता है उसे, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई ना कोई किताब पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान आपके पास कितना भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि ज्ञान से आप भर जाइए, ज्ञान पूरा हो गया, आप इंसान पूरी लाइफ सीखता है, तभी नहीं सीख पाता। तो इसलिए हर इंसान को कोई, आपको जिस तरह की बुक्स पसंद हो, आपको मैगजीन पसंद है, आपको मैगजीन्स पढ़िए, आपको साहित्यिक बुक्स पढ़ पसंद है, जो भी, इवन स्टोरी की बुक्स, धार्मिक बुक्स, कॉमेडियन बुक्स, कुछ भी, उपन्यास, आपको जो भी पसंद है आप उसको पढ़िए, अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। भले आप आधे घंटे पढ़ो, जब भी आपको टाइम मिले तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो किताब को कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगी। तो दोस्तों ये था आज, हमने जाना किताबों का महत्व हमारे जीवन में, किताबों का क्या महत्व है और क्या रोल अदा करती हैं, और ये इंसान के जीवन में ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था किताबों का महत्व। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी भी चीज़ पे सोचेंगे, ज़रा सोचो भी लता में, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।